अरे मेरी है, मैं बोल रहा हूँ गाय मेरी है। अरे तो मैं बोल रहा हूँ मेरी है, मैं बोल रहा हूँ गाय मेरी है। मैं बोल रहा हूँ गाय मेरी है। अरे गाय मेरी है, मेरी गाय है, मेरी गाय है। मैंने बोल दिया गाय मेरी है। हुआ क्या? मेरे बुआ को लड़का हुआ है। और तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? हुआ ये कि मैं लंदन से आए, सोचे कि यहाँ से कुछ सुवेनियर लंदन लेके जाएंगे, तो मैं इंडिया में इधर एक गाय खरीदे। ओके, ये आदमी मेरा नेबर है, मेरे को देखा देखी इसने भी गाय खरीद लिए। तो मैं बोले ये दोनों गाय में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने गाय के गले में एक घंटी बांध दिए। अच्छा, अगले दिन में क्या देखते है, ये भी अपने गाय के गले में घंटी बांध दिए। मैं सोचा अभी कंफ्यूजन रहेगा, तो मैं अपने गाय के ऊपर रेड कलर का ऐसा क्रॉस बना दिए। हाँ। अगले दिन मैं देखा ये भी गाय के ऊपर रेड कलर का क्रॉस बना दिए। फिर मैं अपने गाय के पैर में पायल बांध दिए। अगले दिन ये भी अपने गाय के पैर में पायल बांध दिए। कंफ्यूजन, कोई और निशानी तो हो सकती है? और कोई निशानी? हाँ? मेरे को सोचने दो यार, क्या ए ब्रो, एक और निशानी है क्या? अभी मैटर क्लियर हो जाएगी। सफेद वाली गाय मेरी, काली वाली तेरी। लेकिन दूध का क्या करेंगे? दूध तो दोनों गाय सफेद देती हैं। ओह गॉड, ए यार ये फिर कंफ्यूज कर दिए मुझे। दूध में तो हम लोग घंटी भी नहीं बांध सकते हैं। यार तुम जाओ, मैं कोई रास्ता ढूंढते हैं दूसरा। ठीक है, ढूंढना है। मैं सोचेंगे। ओ मैन, लाइफ इज सो टफ, आई टेल यू, इट्स सो टफ। मैं क्या बोलेंगे वैसे? ये गाइस वेलकम मी अच्छो यादव इन द हाउस, Divya Khosla Kumar in the house, yeah. John Abraham in the house. एक मिनट, मैं ट्रेलर में देखे उधर तीन तीन जॉन एब्राहम थे, इधर एक ही है। अरे तीनों जॉन यही थे? नहीं 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 ब्रो, ऐसे मत करो, मेरे को कंफ्यूज मत करो। मेरे को प्रमोशन किसके करने है? ऐसा ना हो कि इधर पिताजी आए हैं, मैं जुड़वा भाई को प्रमोट कर दिए। जैसे आप ट्रिपल रोल कर रहे हैं ना, ये भी ट्रिपल रोल करते हैं, बस फर्क ये है कि इनके अंदर ही है सारे। जॉन जी, दिव्य जी, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं मोटा है नहीं। अच्छा, मैं है नहीं? नहीं, वो तो मैं कुछ दिन से जिम नहीं जा पाया है ना, इसलिए थोड़ा ब्लोटिंग हो गए बॉडी के। कितने टाइम से नहीं गए जिम? ये अपना लॉकडाउन को कितना टाइम हुए? दो साल। हाँ, तो उसके 30 साल पहले से नहीं गए मैं। मैं आपको फ्रेंकली बताई जॉन जी, मैं फिल्मों में आने वाले थे, पर फिर बाद में मैं आपका बॉडी देखे, और आजकल जितना नया हीरो लोग आ रहे हैं, मैं उनका बॉडी देखे। अच्छा। मैं बोला मेरे से नहीं होगे, इसके लिए मैं इधर ये शो में आ गया, इधर किसी का बॉडी नहीं है। ये देख लो, वो देख लो, इधर बॉडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वैसे जॉन जी, मेरे को बताइए क्या लेंगे आप कॉफी लेंगे, टी लेंगे? दिव्या जी से भी तो पूछो। मैं इनसे क्या पूछे, इनके पास तो टी का पूरा सीरीज है। मैं सच बता रहे है, जितने कमाल कमाल के गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने सारे टी सीरीज के पास है। और एक तो कमाल का बात मैं बताऊं आपको। हाँ। अब एक टिप्स का गाना है, वो भी टी सीरीज के पास है। कौन वैसा है? कौन सा गाना है? टिप्स टिप्स बरसा पानी। अरे वो, नहीं वो टिप टिप बरसा पानी है ब्रो, जोक के लिए थोड़ा बाहर जाने पड़ते हैं, जाने दो रहे करने पड़ते हैं, यू नो, क्रैक द जोक। मैं इधर लंदन से आए, बताए मैं क्या करने आए के? मैं इधर आपके फिल्म का वो करने आए, क्या बोलते हैं शर्मा, चिड़िया का ये क्या होते हैं? पर। पर। और बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, जिंदगी कितने दिन का है? चार। चार। मैं आपका फिल्म का पर चार करने आए हैं। पर चार। फिल्म को सुपर हिट करने ना सर। जी। आप एक काम करो खाली। हाँ। शनिवार के दिन एक मोटा आदमी को चार बियर पिलाओ। मोटा आदमी कहाँ है? ओहो, बियर का बात आया तो इनका मोटा आदमी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वरना सुबह शाम दिन रात, वरना इनको तो सपनों में भी खाली एक ही मोटा आदमी दिखाई देते हैं, आज नहीं दिख रहे हैं। तो करने क्या आए इधर आज? मैं इधर क्या करने आए? हाँ। मैं इधर वही करने आए जो चंकी पांडे इनके फिल्म में कर रहे हैं। चंकी पांडे तो इनकी फिल्म में कुछ नहीं कर रहे, तो मैं भी कुछ नहीं करने आया। कभी कुछ नहीं करके देखो ब्रो, बहुत मजा आते हैं। बहुत मजा आता है। क्यों अर्चना जी? हाँ। You are right. बहुत मजा आता है। वैसे सर, आपका फिल्म था दोस्ताना। हाँ, जिसमें आप ऐसा पानी में से निकल के ऐसे किए थे। वो वाला फिल्म में आप मेरे को बताइए, आप ब्लाइंड मैन प्ले कर रहे थे क्या? नहीं, क्यों? अगर नहीं कर रहे थे तो प्रियंका चोपड़ा को छोड़ के आप अभिषेक बच्चन को क्यों किस कर रहे थे? Why?
still in shock. Hey, care. मैं आप सर इतना बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अंडा तो खाते होगे? खाता था मैं, हाँ। खाते थे, मैं आपको एक वो देते हैं, वो ए बीवी के भाई को क्या बोलते हैं? साला। साला, मैं आपको एक सलाह देते हैं। नेक्स्ट टाइम आप अंडा खाएंगे ना, तो उसका आप येलो येलो खाओ, व्हाइट फेंक दो। बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो व्हाइट व्हाइट खाते हैं, येलो फेंक देते हैं। नहीं यार, मैं कब तक लोगों का फेंका हुआ येलो खाते रहेंगे यार? मेरे को भी कोई व्हाइट खिलाओ, मेरा बॉडी कैसे बनेंगे? वैसे मैं देखा है सर आपका फिल्म का ये ट्रेलर में भी आप ऐसा बाइक उठाते हैं फेंकते हैं, दूसरा पिक्चर में भी आप बाइक उठाते हैं फेंकते हैं। एक बार मेरे घर पे आओ ना, मेरा बाइक उठा के भी फेंक दो। क्यों? पेट्रोल बहुत महंगे हो गए हैं ब्रो। अब मैं बाइक नहीं चला सकते है। ओह ऑलराइट ब्रो, चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, देखते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम राइटर डायरेक्टर मिस्टर मिलाप जावेरी। मिलाप के लिए। मिलाप प्लीज विराजमान हो जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है आपने, लेकिन फिर भी मैंने सुना कल रात आपको नींद नहीं आई, क्योंकि आपको हमारे शो पे आना था। मैं जब मिलाप से, अब तो मिल चुके हैं हम लोग एक दो बार, लेकिन पहले मैं पहले पहले जब मिला था ना, इन्होंने फिल्में बड़ी अच्छी अच्छी लिखी है, तो मिलाप जावेरी मैंने नाम पढ़ा तो मुझे लगा इनका कोई बड़ा सेठ होगा जिसका जावेरी बाजार में पैसा लगा होगा। मैं ये आपसे पूछना चाहता था, अगर आप कभी किसी को स्क्रिप्ट सुनाने जाते हैं, किसी पहली बार नए बंदे को, तो उसको शक नहीं होता कि बंदा स्क्रिप्ट सुनाने आया कि हीरे जवाहरात बेचने आया? आपका नाम बड़ा वो अमीरों वाला है। नाम है अमीरों वाला, लेकिन मैं गरीबों का मनमोहन देसाई बनना चाहता हूँ। गरीबों का मनमोहन देसाई। तो जब मैं स्क्रिप्ट सुनाता हूँ तो कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, उनको अच्छी लग जाती है स्क्रिप्ट। अच्छा। जैसे जॉन, मैं जॉन नहीं, जान इब्राहिम, क्योंकि मेरी जान है। तो जान इब्राहिम और जो जो दिव्या, ऐसे लोगों को मैं किसी तरह कन्विंस कर लेता हूँ। तो और जब आप भूषण जी के पास जाओ तो मतलब क्या जहरी बसा, मतलब उनकी तो अलीबाबा का की गुफा आप है। बताइए। हम 40 चोर है और वो गुफा है। मिलाप ने बड़ी अच्छी अच्छी कमाल की फिल्में लिखी, जैसे हाउसफुल, देसी बॉयज, ग्रैंड मस्ती। मस्ती ज्यादा तो आपने डायरेक्ट भी करी। इसे क्यों याद दिला रहे हो? मुझे मैं भूल गया। मेरे को आपकी टीम में से कोई बता रहा था, कहते जब आपने मस्ती ज्यादा डायरेक्ट की उसके बाद से आपने कसम खा ली कि अब कॉमेडी फिल्म तभी बनाऊंगा जब कपिल शर्मा फ्री होगा। ऐसे सर मस्ती ज्यादा के बाद मतलब मैंने मस्ती छोड़ दी, अब मैं सिर्फ लोगों को जॉन इब्राहिम के डोले बताता हूँ, या बाइक उठा लेता है जॉन लोगों के साथ, टायर फाड़ देता है, इंजन उखाड़ देता है, ऐसी उखड़ी हुई चीजें करता हूँ अब। पर ऐसी फिल्म जो होती है, जब आप लिखते हैं तो पहले से कंफर्म होना चाहिए कि जॉन अब्राहम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं, बाइक उठा दी, अब नवाज भाई को लेके तो आप ये सोच नहीं सकते, है ना? तो ये पहले से कंफर्म था जॉन ये फिल्म करेंगे? सर मेरा बस चले तो मेरी हर फिल्म जॉन करे। मैं जॉन से कहता हूँ कि जब जॉन 90 साल का हो जाएगा तब भी जॉन मेरी फिल्मों में कुछ उठाएगा, कुछ उखाड़ेगा, कुछ फाड़ेगा। मेरे हिसाब से जॉन अब्राहम कुछ भी कर सकता है, जॉन मेरा हल्क है। क्या बात, सो स्वीट। नहीं, पर ये होता है डायरेक्टर और एक्टर में अच्छी दोस्ती हो ना तो एक दूसरे पे असर भी होता है, जैसे इनकी इतनी अच्छी बॉडी है तो आपकी भी आपकी भी फिल्म बड़ी अच्छी है। तो अच्छा, हमने ना जॉन भाई सुना है कि जब विकी डोनर बनके तैयार थी, मतलब स्क्रिप्ट रेडी थी, तो उसको कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, फिर आपने प्रोड्यूस की और सुपरहिट हो गई। मद्रास कैफे के बारे में भी हमने ये सुना, और दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों के डायरेक्टर सुजीत सरकार है, तो आपको सुजीत सर पे भरोसा ज्यादा है कि सुजीत सर के पास आपका कोई वीडियो है? वो बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है। तो हम लोग एक्चुअली मद्रास कैफे पहले करना चाहते थे। अच्छा। और उस स्क्रिप्ट सेशंस के दौरान एक दूसरी स्क्रिप्ट आई हमारे पास जो विकी डोनर थी। अच्छा जी। तो सुजीत और मैंने दोनों उस टाइम पे कहा कि इसके लिए लड़का सही कौन होगा, और
आयुष्मान को हमने बुलाया. अच्छा आयुष्मान उसका वो लॉन्च था. दोनों फिल्में बड़ी कमाल थी. मद्रास कैफे मेरी फेवरेट फिल्म है. ओह थैंक यू थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.